महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अपना पंचन का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां बाबा भोलेनाथ दूल्हा बने और बराती बने उप मुख्यमंत्री के साथ हजारन के संख्या में भक्तगण, साथ मां भूत प्रेत के संग निकाली गए भव्य बारात। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद अच्छी और पावन खबर के। यहाँ अपना पंचक बताया थी रीवा माँ हर साल के बाद एहू साल भव्य भारत बारात जो है भगवान भोलेनाथ के निकाली गए, जहाँ महाशिवरात्रि पर्व के शिव बारात निकाली गए जो ऐतिहासिक बारात बने जा रही है। कहे कि यह बारात माँ विश्व के सबसे बड़ा नगाड़ा मुख्य आकर्षण के तौर पर बारात में शामिल भा। शिव बारात में शामिल डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल के द्वारा शिव बारात आयोजन समिति के तारीफ करत किन कहागा कि इनके द्वारा अद्भुत एवं भव्य आयोजन बारात के रूप में किन जात है। उनके द्वारा कहागा कि कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल के साथ भगवान राम के दर्शन करे अयोध्या गए रहे, जहां सिर्फ रीवा के चर्चा रही, नगाड़ा राम मंदिर का भेंट करे जा रहे हैं। यह तरह से अयोध्या राम मंदिर बने के बाद नगाड़ा के तौर पर रीवा के एक विशेष योगदान रहे। अपना पंचक बताया दी कि बैजू धर्मशाला से बारात निकल के संपूर्ण शहर के भ्रमण करके पचमठा धाम पहुंची, जहां शिव पार्वती के विवाह के साथ भव्य भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। यह बारात चल समारोह में विभिन्न झांकी ढोल नगाड़ा घोड़ा आदि आकर्षण के केंद्र बने। तो देखिए पूरी बारात जहाँ भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप देहिस भक्तन का खूब आशीर्वाद। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी कड़ी में शिव बारात के द्वारा जो महाशिवरात्रि में आयोजन होता है वो बहुत ही अद्भुत होने लगा है। धीरे धीरे करके कारवां चलता रहा और लोग जुड़ते गए और इस प्रकार से एक भव्य आयोजन होते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज भगवान शिव की आराधना होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे न सिर्फ रीवा बिंदु को बल्कि पूरे प्रदेश और देश को मिले, इसी कामना के साथ शिव बारात का यहाँ पर एक भव्य आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। इसके साथ ही आज एक विशिष्ट पहल ये है कि अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर के भव्य निर्माण के बाद, उनकी प्रतिष्ठापना के बाद, शिव बारात के द्वारा एक बहुत बड़ा नगाड़ा वहां भेजा जा रहा है जो वहां पर उसका उपयोग होगा। पिछले दिनों जब मैं अयोध्या गया था मुख्यमंत्री जी के साथ और पूरे मंत्रिमंडल के साथ, और जब लोगों को मालूम पड़ा कि मैं रीवा से आया हूँ, तो वहाँ के सभी संत महात्मा पुजारी ने कहा कि आपके रीवा से एक बहुत बड़ा नगाड़ा आ रहा है अयोध्या नगरी में, तो इसका मतलब कि एक बड़ा योगदान राम जन्मभूमि में भव्य राम के मंदिर के निर्माण के बाद रीवा का इस नगाड़े को वहां पर भेंट करने के माध्यम से हो रहा है। इस महामृत्युंजय की नगरी रीवा में और हमारे पूरे मध्य प्रदेश का कुशल नेतृत्व कर रहे श्री माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनके नेतृत्व
प्रकार के आयोजनों से और बढ़ जाता है। आज रीवा बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, उसके पीछे भगवान की कृपा है। मनुष्य का कर्म उतना मायने नहीं रखता जितना भगवान की कृपा मायने रखती है। और पिछले दिनों मैं मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या नगरी गया था रामलला के दर्शन करने, और वहां पर जब मेरा परिचय कराया रीवा के हैं तो अयोध्या नगरी के जितने संत हैं वो कह रहे थे आपके रीवा से नगाड़ा आ रहा है। तो ये नगाड़ा जो पहले इसमें सराह बना था, भंडारा होता था, पता नहीं कितने लोगों ने इस प्रसाद ग्रहण किया इस कराहे के माध्यम से, ये पवित्र है, इसको नगाड़े का रूप देके इसका इतना अच्छा सदुपयोग किया है, इसके जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं आपकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता हूँ और सबको एक बार फिर से देवों के देव महादेव हम सबको आशीर्वाद दें, हमारे सामने की जितनी बाधाएं हैं उसको दूर करें और हम इस क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर क्षेत्र बनाने का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। इस अवसर पर मैं वृंदावन से पधारे हमारे स्वामी जी का उनको प्रणाम करता हूं, और स्वामी जी आज हमारे बीच में पधार के इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुत बढ़ा दिया है, उनको भी प्रणाम करता हूं और सभी को महाशिवरात्रि। हमारे बीच में परम पूजनी शिवराज स्वामी जी महाराज वृंदावन से पधारे हुए हमारे सुदामा कोटी के पूज्य महाराज जी आज इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। शिव बारात के द्वारा महाशिवरात्रि में जो आयोजन होता है वो एक ऐसा रूप दशहरा और दिवाली में जनता सड़कों में आती है पर्व को मनाने के लिए, उसी प्रकार से महाशिवरात्रि के पर्व को भी जिस प्रकार से हमारे रीवा शहर में मनाया जा रहा है, ये शायद हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में इतने उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाने का परंपरा। उज्जैन में बाबा महाकाल और बनारस में काशी विश्वनाथ के बाद रीवा है जहाँ पर इतनी उल्लास के साथ Yeah.
शुभकामना है और आनंद है। शरीर तो मट्टी है और इसको जितना आनंद लेना सके ले लो, हाथों नहीं तो कल मट्टी में ही चले जाना है। तो उत्साह से आनंद लीजिए। आज देवों के देव का है, सृष्टि के रचयिता का ब्याह है और यह आनंद बल 300 वर्ष बाद संयोग बना है। ऐसा संयोग जो आनंद और उत्साह के साथ घर घर में पूजा हो रहा है, बेलपत्र चढ़ना, इतना आनंद का उत्सव है पूरे इंडिया के अंदर पूरा, इतना आनंद आ रहा है पूछे मत। देखिए लोग अपने से आ रहे हैं, अपने से कोई बुलावा नहीं, ये प्रभु की कृपा है और इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। इस बार भगवान की कृपा से वर्ल्ड का सबसे बड़ा नगाड़ा बन गया है। भगवान की चरणों में समर्पित करने हम 12 तारीख को अयोध्या जाएंगे और आनंद उत्सव के साथ पूरी जाएंगे। भगवान के 108 नाम होते हैं, हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि 108 गाड़ियों के साथ भगवान के साथ जाएंगे और भगवान लला को अयोध्या में हम उनके चरणों में समर्पित करेंगे। प्रोग्राम में डिप्टी सीएम भी आए तो नगाड़े को देखा। ये हम उस समय पूजा में थे और ये प्रतीक जी ने बोला है आए थे और देखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा लगा, बोला बहुत खुशहाल थे और आनंद में महसूस किया उन्होंने, आनंद का शुभकामना दी। रीवा का नाम पूरा अयोध्या में, कई लोगों का फोन आया प्रयागराज से, बड़े बड़े मिनिस्टर का, सीएम का, सबका फोन आ रहा है कि आपको कहीं भी सुविधा नहीं होगी और सुविधा के लिए हम कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरा नंबर लीजिए और सुविधा को सुविधा में हम बदल देंगे, असुविधा को सुविधा में बदल देंगे, इन्होंने कहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है सब।
सबसे बड़े नगाड़े का टीम आई थी, अभी हो गया है, दो बजे करेंगे भगवान की कृपा ऐसी है, महिमा है भाई। जहाँ मृत्युंजय जो महामृत्युंजय बाबा है ना, यहाँ पर वर्ल्ड में एक ही बाबा है, वो रीवा में ही बाबा है, 1001 नेत्र वाले, उनकी शक्ति ऐसी है, उनके द्वार से कभी कोई दुखी नहीं जा सकता है, मेरा वादा आपसे, मेरी प्रार्थना है आप लोग आइए और आनंद लीजिए और कृपा बनाइए, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करेंगे हमको, और कोई त्रुटि हो गई तो मुझे, हमारी पूरी टीम को, प्रतीक जी को, कमलेश भैया को, सुमित भैया को, विनोद क्षमा करिएगा, जो सुधार होगा बताइएगा।